नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद रईस में। दोस्तों, आज हम महेश कुमार बर्नवाल जी द्वारा लिखित पुस्तक एनसीईआरटी सार संग्रह के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वन लाइनर फैक्ट को देखेंगे। दोस्तों, ये पार्ट अंतिम होगा, इसके पहले दो पार्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वीडियो उपलब्ध करा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा कर के प्ले लिस्ट से वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कक्षा छठी से लेकर के 12वीं तक महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है। और इसमें एक और ख़ास बात है कि इसमें जो प्रश्नों का संग्रह है वो अध्यायवार रूप से दिया गया है। तो दोस्तों, चलते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें देखेंगे अगला चैप्टर है रक्षा प्रौद्योगिकी यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी का। पहला क्वेश्चन है DRDO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1958 में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ट्रांबे मुंबई में। हंसा टू क्या है? नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज NAL द्वारा निर्मित एक प्रशिक्षण यान। कम दूरी वाले प्रक्षेपाशास्त्र त्रिशूल की गति की दृष्टि से किस श्रेणी में है? तो प्राध्वनिक प्रक्षेपाशास्त्र यानी सुपरसोनिक मिसाइल के अंतर्गत में आता है त्रिशूल। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा तत्कालीन रूस संघ के मध्य नाभिकीय क्षेत्रों की कटौती करने राजनीतिक आक्रामक शस्त्रों को सीमित करने के लिए 2010 में न्यू स्टार्ट संधि की स्थापना की गई है। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? तो रूस में ओबनिस्क परमाणु बिजली घर 1954 में। सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस मार्च करने वाली प्रथम भारतीय मिसाइल कौन है? तो पृथ्वी है। T-19S युद्धक टैंक है यानी बैटल टैंक है, जो भारतीय नाम क्या है? तो इसका नाम T-19S युद्धक का टैंक का नाम है भीष्म। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने वर्ष 2006 में कौन सा लड़ाकू विमान को उड़ाया था? तो Sukhoi-30MKI। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण किस दो देशों के से किया जाता है? तो सुपरसोनिक मिसाइलों का जो निर्माण किया जाता है भारत और रूस की सहयोग से किया जाता है। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। DRDO के द्वारा भारतीय थल एवं वायु सेना के लिए इंद्र नामक रडार विकसित किया गया है। स्वदेश निर्मित तेलवाहक पोत कौन है? तो INS शक्ति। नेक्स्ट है भारत की लघु दूरी का टैंक प्रतिरोधी एंटी टैंक रेसिस्टेंट स्वदेशी निर्मित प्रक्षेपाशास्त्र कौन सा है? तो नाग है। सतह से सतह पर मार करने वाले सौर गति की दृष्टि से किस श्रेणी की मिसाइल है? तो हाइपरसोनिक मिसाइल है। गति जो है ध्वनि की गति से बहुत ही अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत द्वारा विकसित ICBM जिसकी मार्ग क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है क्या नाम है? तो Agni-2। अंतर महाद्वीपीय ब्लास्टिक मिसाइल यानी इंटर काउंसिल ब्लास्टिक मिसाइल ICBM इसका फुल फॉर्म होता है। भारत द्वारा फाल्कन रडार सिस्टम किस देश से खरीदा है? तो इजराइल से फाल्कन रडार को खरीदा गया है। भारतीय वायुसेना का पहला स्वदेशी तथा हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है तेजस है। कलपक्कम तमिलनाडु में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR वर्ष 1971 में स्थापित किया गया था। तो इंदिरा गांधी परमाणु संस्थान 1971 में स्थापित किया गया था। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 18 मई 1974 को। रूस द्वारा एडमिरल गोर्सकोव जिसे रूस ने बनाया है वह क्या है? तो नौसैनिक विमान वाहक जहाज है यानी एयरक्राफ्ट कैरियर। भारतीय नौसेना में सेवारत INS शक्ति क्या है? एक तेलवाहक पोत है INS शक्ति। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला नाभिकीय विस्फोट कहाँ किया गया था? तो हवाई सेंट्स में किया गया था। सबसे पहले 16 जुलाई 1945 ईस्वी को किया गया था। प्रक्षेपाशास्त्र यानी मिसाइल का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो वाल्टर डॉन वर्गर तथा बर्नर्ड वॉन ब्राउन के द्वारा किया गया था। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। नेत्र किस श्रेणी का जहाज है? तो मानव रहित हवाईयान है यानी अमेंडेड एरियल व्हीकल है। लक्ष्य नामक मानव रहित एयरक्राफ्ट किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो लक्ष्य का जो निर्माण किया गया DRDO के द्वारा किया गया है। नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है एंटी टैंक मिसाइल है जो दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करता है।
फायर एंड फॉरगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? तो सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी का प्रक्षेपण शास्त्र है। डीआरडीओ द्वारा विकसित इंद्र क्या है? तो डॉल्पर रडार है, यानी रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेप्ती क्या है? तो डीआरडीओ द्वारा नौसेना के लिए विकसित किया गया त्रिविमीय रडार है। आईजीएमडीपी के अंतर्गत आने वाली मिसाइल सतह से हवा मार करने का लक्ष्य में सक्षम पहला स्वदेशी प्रक्षेपण शास्त्र कौन है? तो त्रिशूल है, सतह से हवा में मार करने वाला स्वदेशी प्रक्षेपण शास्त्र त्रिशूल है। ऑपरेशन शक्ति 98 नाम किस अभियान का गुप्त नाम था? तो पोखरण में 1998 में हुए परमाणु अभियान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिनेक्स क्या है? तो भारत श्रीलंका द्वारा किया गया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। चंद्र कक्षीय मिशन सेलिनी वन किस देश से संबंधित है? तो सेलिनी वन का संबंध जापान से है। आईएनएस अस्त्रधारिणी क्या है? तो टॉर्पीडो प्रमोचन और पुनर्पर्याप्त जलयान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस इंजन में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीकारक के रूप में वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है? तो स्क्रैमजेट में प्रयोग किया जाता है। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो आईएनएस अरिहंत पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है। फ्रेंडशिप 2016 क्या है? तो रूस और पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास है। समुद्र शक्ति किन देशों के मध्य का नौसैनिक अभ्यास है? तो समुद्र शक्ति जो है भारत और जापान के बीच में एक नौसैनिक अभ्यास है। चर्चित राफेल विमान का सौदा भारत ने किस देश के साथ किया है? तो राफेल विमान का सौदा फ्रांस से किया है। अस्त्र किस प्रकार का प्रक्षेपण शास्त्र है? तो आकाश से आकाश में मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। टी-19 भीष्म क्या है? तो तीसरी पीढ़ी का एक युद्धक टैंक है। रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रति 2 वर्ष पर आयोजित की जाने वाली रक्षा प्रदर्शनी यानी डिफेंस एक्सपो वर्ष 2020 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अब देखेंगे लड़ाकू विमान और महत्वपूर्ण उनके तथ्य। तेजस, तेजस स्वदेश निर्मित भारत का पहला लड़ाकू विमान LCA है, जिसका विकास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने किया है। यह एक बहुदेशीय सुपरसैनिक मिसाइल है जो हवा से हवा, सतह से सतह और हवा से समुद्र मार करने में सक्षम है। तेजस एक ऐसा विमान है जो हवा से हवा, हवा से सतह और हवा से समुद्र में भी मार करने में सक्षम है। नेक्स्ट है राफेल, राफेल बहुदेशीय लड़ाकू विमान है जो हवा से सतह पर 600 किलोमीटर तक निशाना साध सकता है। इसकी मारक क्षमता लगभग 3700 किलोमीटर है। इसका निर्माण फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन के द्वारा किया गया था। दोस्तों यहाँ पे जरूर याद कर लीजिएगा कौन सा कंपनी राफेल को बनाया है, तो फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। सुखोई 30 यह भारतीय वायुयान में शामिल आधुनिकतम तकनीकी लड़ाकू विमान है। इसे रूस से खरीदा गया है। तो कहाँ से खरीदा गया है? सुखोई 30 को रूस से खरीदा गया है। और सुखोई 30 से विभिन्न श्रेणी के 12 मिसाइल दागी जा सकती है। इसमें 400 किग्रा वजन विस्फोट ले जाने की क्षमता है। तो यहाँ मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें क्या है कि जो सुखोई 30 कहाँ से खरीदा गया है, तो रूस से खरीदा गया है। नेक्स्ट है MiG-29, यह भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है। भारतीय सेना के पास में MiG-29 3 स्क्वाड्रन लीडर है और इसके अपग्रेडेड किया जा रहा है। अवकाश क्या है? एयरबोर्न बर्निंग एंड कंट्रोल भारतीय वायुसेना में खोजी एक विमान है। अवकाश क्या है? तो भारतीय वायुसेना के खोजी विमान है। ध्रुव यह स्वदेश निर्मित एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है। इसकी अधिकतम गति 245 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। निशांत क्या है? तो निशांत एक पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। रिमोट से संचालित यह विमान युद्ध क्षेत्र में पर्यावरण और टोह लेने में सक्षम है। पिनॉक क्या है? तो पिनॉक एक स्वदेश निर्मित यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। सारथ क्या है? तो सारथ एक तरह का प्रक्षेपण शास्त्र प्लेटफॉर्म है जिसे आकाश, त्रिशूल, नाग प्रक्षेपण शास्त्र की तैनाती के लिए विकसित किया गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे भारत की प्रमुख प्रक्षेपण शास्त्र। देखेंगे यहाँ पे प्रक्षेपण शास्त्र में पहला पृथ्वी, सतह से सतह पर मार्ग करने वाला सबसे कम दूरी का मिसाइल जो है पृथ्वी है। अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट के बाद देखें तो पृथ्वी 1 जो थल सेना में शामिल किया गया था उसकी मार्ग क्षमता 150 किलोमीटर है। पृथ्वी 2 की मार्ग क्षमता 250 किलोमीटर है और वायुसेना में शामिल किया गया है। पृथ्वी 3 मार्ग क्षमता 350 किलोमीटर नौसेना में शामिल किया गया है। और पृथ्वी मिसाइल का प्रथम प्रशिक्षण 1988 ईस्वी में किया गया था, चांदीपुर से प्रशिक्षण किया गया था इसका। त्रिशूल हवा से हवा में मार करने वाला एक मिसाइल है।
फैक्ट में देखेंगे, त्रिशूल का प्रथम परीक्षण 28 दिसंबर 1996 ईस्वी को किया गया था मारक क्षमता 500 मीटर से लेकर के 9 किलोमीटर तक होता है। आकाश, आकाश जो है सतह से हवा में मार्क करने वाला एक मध्यम दूरी वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि का मारक क्षमता होता है, अग्नि वन का है 700 से लेकर 1250 किलोमीटर तक, अग्नि टू का 2000 से 3000 तक, अग्नि थ्री का 3000 से अधिक, अग्नि चार का 3000 से 4000 तक, और अग्नि पाँच का मारक क्षमता 5000 से अधिक हो गया है। दोस्तों अग्नि सीरीज के तहत 5 मिसाइल तैयार किया गया, यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि आकाश जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। नाग, नाग टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है, मारक क्षमता 4 किलोमीटर। इसका प्रथम प्रशिक्षण जो सफल परीक्षण किया गया था 1990 में किया गया था। इसे दागों और भूल जाओ की प्रक्षेपास्त्र कहा जाता है। धनुष, धनुष हवा से हवा मार करने वाला मिसाइल है, मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। इसका जो है परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है, 50 किलोमीटर गति 50 kg तक ले जाया जा सकता है। यह पृथ्वी मिसाइल का नौ सैन्य संस्करण है। अस्त्र, हवा से हवा में मार करने वाला है, मारक क्षमता 10 से 25 किलोमीटर तक। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत का प्रथम मिसाइल है। ब्रह्मोस, ब्रह्मोस जो है सतह से हवा यानी सरफेस टू एयर मार करने वाला एक मध्यम दूरी का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर होता है। इसका जो मुख्य कार्य है परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम होता है, 200 से 300 केजी तक लिया जा सकता है। यह भारत और रूस की संयुक्त परियोजना से विकसित प्रक्षेपास्त्र है। इसका ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्म और रूस की मस्कोवा नदी के नाम पर इमोस से मिला है। इसका सफल प्रथम परीक्षण 1 जून 2001 में किया गया था। अब देखते हैं सागरिका, सागरिका सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका सफल परीक्षण समुद्र के भीतर फरवरी 2018 में किया गया था। यह परंपरागत एवं परमाणु दोनों प्रकार के आयुध ले जाने में सक्षम है। तो सागरिका क्या है, यहाँ देख सकते हैं सबमरीन लॉन्च एक प्लास्टिक मिसाइल है। प्रधुमन क्या है, सतह से हवा में मार करने वाले कम दूरी का एक इंटरसेप्टर मिसाइल है। प्रधुमन जो है इंटरसेप्टर मिसाइल है जो यह क्या है, यह पृथ्वी एयर डिफेंस यानी पृथ्वी एयर डिफेंस PAD का दूसरा नाम है। सौर्य, सौर्य सतह से हवा में मार करने वाला एक मध्यम दूरी का मिसाइल है। इसका सफल परीक्षण 12 नवंबर 2008 को किया गया था। यह जल के भीतर छोड़े जाने वाली सारिका मिसाइल का एक संस्करण है। अब देखिए युद्ध और महत्वपूर्ण तथ्य, अर्जुन स्वदेश तकनीक से युक्त इस टैंक का विकास DRDO ने किया था। इसकी भेदन क्षमता 25 किलोमीटर तथा अधिकतम गति 76 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत में भी कार्य करने में सक्षम तथा जवानों को विषाक्त गैसों का विकिरण से सुरक्षा करना यह अर्जुन टैंक की मुख्य विशेषता। T-19S यह मध्यम श्रेणी का युद्धक टैंक है। इसकी अधिकतम गति 60 किलो गति प्रति घंटा है। यह लेजर निर्देशित रिफ्लेक्स मिसाइल से युक्त है। भीष्म टैंक भारत और रूस की संयुक्त परियोजनाओं का विकसित किया गया है। कर्ण यह मध्यम श्रेणी का हल्का टैंक है जो नाभिकीय जैविक और रासायनिक युद्ध सहन करने में सक्षम है। यह कर्ण लेजर और रेंज फाइटर तकनीक से युक्त है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।